हाँ भाई गुड इवनिंग दोस्तों मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूँ आपका केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हाँ <coughs> बेटा अब साफ़ आ पा रही है एम शेखावत दोलू अमनदीप कारन दीपू अमन हाँ सर वही वो वोइीशु है वही वो सब क्लियर है सभी सुन पा रहे हैं राधे राधे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सभी को एक बार सारे बंटे बच्चे एक बार कमेंट करके बताए कि वॉइस क्लियर है नेहा सैनी गुड इवनिंग समृत सेन गुड इवनिंग अमन यस क्लियर है ओके दोस्तों एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दे ताकि उन बच्चों की भी नींद खुल जाए जो अभी क्लास में नहीं आए अच्छा वॉइस क्लियर है शाबाश बेटा वॉइस क्लियर है तो कल हम ओके okay, शाबाश कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो आइए उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है नंबर इज टू बाय 216 इट्स बिकम्स 140 हंड्रेड परसेंट ऑफ इट व्हाट इज द नंबर जब एक संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है यानी कि उस संख्या में 216 इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो नंबर 140 परसेंट हो जाता है तो आप बताइए कि अगर कोई नंबर 140 परसेंट था और परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ होगा आप बोलोगे 140 में से 100 परसेंट घटा देंगे तो यानी कि एक्चुअल में वो नंबर फोर्टी इंक्रीज हुआ और जो ये फोर्टी है ये नमर्रिकल वैल्यू में यानी कि वैल्यू में नंबर में 216 है तो अगर आपसे मैं एक परसेंट की बात पूछूं तो आप बोलोगे 216 216 बाय 40 हंड्रेड सिक्सटीन बाई फोर्टी और अगर मैं आपसे 100 परसेंट के बारे में पूछूं वह संख्या क्या है तो आप बोलोगे संख्या होगी 100 परसेंट तो 100 परसेंट का जो मान होगा वो होगा 216 हंड्रेड सिक्सटीन अपोन फोर्टी हंड्रेड टू हंड्रेड सिक्सटीन अपॉन फोर्टी इंटू हंड्रेड अगर मैं इसको बीस से भाग दूंगा या जीरो से जीरो काट दूंगा और चार से इसको भाग दूंगा फिफ्टी फोर आएगा और फिफ्टी फोर इंटू टेन ये हो जाएगा दोस्तों पाँच सौ चालीस यानी कि आपका आंसर था फाइव हंड्रेड फोर्टी कितना था दोस्तों फाइव हंड्रेड फोर्टी अनिरुद्ध बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है और बाकी सब बच्चों को तो वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है ना नहीं वॉइस की मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है वॉइस क्लियर है ना मैं चेक कर लेता हूँ एक बार <coughs> नहीं नहीं वॉइस क्लियर है बेटा हाँ चलो अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन भी कल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था बोल रहा है एक संख्या में सिक्सटी थ्री तिरसठ जोड़ा जाता है कितना जोड़ा जाता है तिरसठ तो वो संख्या एक परसेंट हो जाती है आप बताइए क्या यहां पर संख्या में जो टोटल वृद्धि हुई वो 37.5 परसेंट की हुई कितने परसेंट की हुई 37.5 परसेंट की कैसे हुई एक्चुअल में नंबर 100 परसेंट था और हो गया 137। अगर मैं इसमें से 100 परसेंट को घटाऊंगा 137.5 परसेंट में से तो आप बोलोगे सर ये आएगा 37.5 परसेंट नंबर कितना बड़ा? बड़ा. अगर तो 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 एक तो तरीका ये है कि आप 63 को से 63 को से करो, तो से से डिवाइड डिवाइड करो, करो, आपके पास एक परसेंटेज की वैल्यू आएगी और हंड्रेड से मल्टीप्लाई करो क्योंकि नंबर हंड्रेड परसेंट है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर और 12.5 से इसको डिवाइड करूंगा ये 8 टाइम्स जाएगा कितना जाएगा दोस्तों 8 टाइम और 3 से मैं 63 को डिवाइड करूंगा तो ये 20 बन जाएगा और 21 वन इंटू आंसर आएगा 168 यानी कि जो संख्या थी जो नंबर था हमारा 168 था कितना था दोस्तों 168 हाँ तो कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं नकुल ने दिया राधे श्याम ने दिया दीपू ने दिया अमनदीप ने दिया अर्चना मीना ने दिया तो साबास, मन्नू जो साबास बेटा जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो सिंपल सा क्वेश्चन था आपको पढ़ते ही ये बात समझ जानी थी कि 63 जोड़ा गया और नंबर 137.5 परसेंट हो गया एक्चुअल में कोई भी नंबर अपने आप में 100 परसेंट होता है तो इंक्रीज कितने का हुआ जो 100 से ज्यादा है वो इंक्रीज है 100 से कितना ज्यादा है 37.5 परसेंट डन है बात यस yes. अंकुर शर्मा एसएससी जख्मी 168 चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किसी संख्या में तो किसी संख्या का दो सौ चवालीस पॉइंट चार चार परसेंट चार चार परसेंट समय के एक तिहाई में जोड़ दिया जाता है और बारह हजार छह सौ पच्चीस हो जाता है तो मूल संख्या का बीस परसेंट ज्ञात करो मूल संख्या का बीस परसेंट ज्ञात करो बताओ बेटा आंसर बताओ सारे बच्चे एक बार बबलू मीना नौ सौ नौ बुल्ली मीना नौ सौ नौ यादव गिल गर्ल नौ सौ मनु दीपू नकुल हिमांशु ने जो बच्चे आंसर बता रहे हैं उनका नौ सौ नौ आंसर है बड़े ध्यान से समझना एक संख्या यदि किसी संख्या का दो परसेंट स्वयं संख्या के एक तिहाई में जोड़ दिया जाता है तो सबसे पहले मुझे बताओ बेटा ये जो दो सौ चवालीस की जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी आप बोलोगे इसको ब्रेक कर सकते हैं सर हम 200% हंड्रेड परसेंट प्लस परसेंट यस yes या नो या तो ब्रेक कर लो या सीधा सीधा बोल सकते थे सर 200 का 2 और 44.44 परसेंट .44 का 4 अपॉन नाइन फोर अपॉन नाइन डेट्स मीन 22 टू बाई नाइन कितना हुआ दोस्तों 22 टू बाई नाइन हाँ या ना कितना हुआ 22 टू बाई नाइन अब यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो सर ये ओरिजिनल नंबर था ये ओरिजिनल नंबर था और ये 244.44 पॉइंट परसेंट मतलब रिजल्ट था ये हमारा रिजल्ट था 244.44 परसेंट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने 244.44 पॉइंट परसेंट में क्या जोड़ा यानी कि हमने 22 में क्या जोड़ा तो आप बोलोगे संख्या का एक बटे तीन भाग जोड़ा बोल रहे के एक तिहाई में जोड़ दिया जाता है तो नौ अगर संख्या है तो हमने जोड़ा कितना तीन और हमने बताया कि रेशो में वैल्यू हो गई ट्वेंटी फाइव कितना हो, गया? 25. रेशो में हो गई ट्वेंटी फाइव जब हमने किसी संख्या के दो सौ चवालीस पॉइंट चार चार परसेंट को उस संख्या के एक तिहाई में जोड़ा कितने में जोड़ा एक तिहाई में जोड़ा तो संख्या में हमारा रेशो में मिला पच्चीस अब ये 25 किसका मान है दोस्तों 25 मान है आपका सर ये बारह हजार छ सौ पच्चीस पच्चीस रेशो के बराबर है अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो हमारा एक रेशो का मान आएगा क्या एक रेशो का मान बताना है नहीं बोल रहा है मूल संख्या का एक बटा बीस यानी कि वो बीस परसेंट बताना है यानी कि एक बटा पांच अगर मैं इसमें नौ से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे सर ये तो ओरिजिनल नंबर आ गया क्या आ गया दोस्तों ये तो ओरिजिनल नंबर आ गया लेकिन ओरिजिनल नंबर नहीं पूछा था ओरिजिनल नंबर का 20 परसेंट पूछा था 20 परसेंट मतलब वन बाई फाइव अब ध्यान से देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वन बाई फाइव यानी कि फाइव और ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई करेंगे फाइव और ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई करेंगे एक सौ पच्चीस होगा और एक सौ पच्चीस से आप भाग दोगे बारह को ये वन जीरो वन आएगा और नौ में गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आएगा ना नौ सौ नौ कितना आंसर आया दोस्तों नौ सो नौ यस या नो सारे बच्चे सहमत है इस बात से तो आपका जो आंसर आया वो आया नौ सो नौ राहुल चौधरी जय हिंद बेटा ओके शाबाश समझ में आया हाँ नौ सौ नौ सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करो और क्लास को लाइक करो ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 के 15 परसेंट में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20 परसेंट के बराबर हो जाए और एस एस सी टायर वन का क्वेश्चन है एस एस सी के प्री का क्वेश्चन है बड़े ध्यान से बात समझना क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे क्या हमारी थिंक टेक होनी चाहिए पेपर में इसको करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे देखो बोल रहा है 180 के 15 परसेंट में क्या जोड़ा जाए कि योगफल का 20 परसेंट के बराबर हो जाए सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ इसका बेसिक यही है कि हम वन का वन का पंद्रह परसेंट निकालेंगे कितना निकालेंगे दोस्तों पंद्रह परसेंट निकालेंगे और पंद्रह परसेंट का फ्रैक्शन क्या होती है अगर आपसे मैं पूछूँ फिफ्टीन परसेंट की फ्रैक्शन क्या होती है तो आप बोलोगे फिफ्टीन परसेंट की जो फ्रैक्शन होती है वो थ्री बाई ट्वेंटी होती है कितनी होती है दोस्तों थ्री बाई ट्वेंटी यानी कि अगर जिस नंबर का हमें फिफ्टीन परसेंट निकालना है तो हम उसमें थ्री बाई ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने क्या किया एक सौ अस्सी में थ्री बाई ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया ठीक है बोल रहा है 180 के 15 परसेंट में कितना जोड़ा जाए तो कितना जोड़ा जाए मतलब हमने x ऐड कर दिया अच्छा ये x ऐड कर दिया अब ये 360 के 20 परसेंट के बराबर वैल्यू प्राप्त हुई यानी कि यहां पर मैं आपसे बोलू कि यहां पर ये 360 के 20 परसेंट के बराबर हुआ और सबको पता है कि बीस की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है एक बटा यानी कि एक बटा से मैं गुणा कर दूंगा तो इसका 20 परसेंट आ जाएगा कितना परसेंट आ जाएगा? 20 परसेंट एक बटा पांच से गुणा करते के साथ ही देखो यहाँ पे ध्यान से देखो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ सॉरी इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये 20 से नौ बार जाएगा नौ तिया सत्ताईस यानी कि 27 27 प्लस एक्स और बराबर इसका 20 परसेंट मतलब इसको पांच से भाग दूंगा दूं तो यहां पे हम बता पाएंगे कि x का मान होगा 72 टू माइनस ट्वेंटी सेवन दैट इज फोर्टी फाइव दैट इज फोर्टी फाइव ऑप्शन नंबर डी लेकिन पेपर में मैं चाहता हूं कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है थैंक यू यूवी सर थैंक यू आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है इस बात को ध्यान से देखो बेटा देखो यहाँ पे जो ये परसेंटेज है ना एक तो बहुत सिंपल नंबर का है और जो परसेंटेज है वो भी बहुत सिंपल है जैसे 180 का 15 परसेंट यहाँ पे 360 का 20 परसेंट अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना कि 180 के 15 परसेंट में एक वैल्यू जोड़ी गई और जब जाके वो 360 का 20 परसेंट हुआ इसका मतलब 360 का 20 परसेंट कितना ज्यादा है किससे 180 के 15 परसेंट से ये बात आपको बतानी थी अब आप बड़े ध्यान से बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि 360 का 10 परसेंट कितना है तो आप बोलोगे 36 है 10 परसेंट कितना है 36 क्या होगा एक स्थान पर दशमलव लग जाएगी कितना है? 36. अगर 10 परसेंट थर्टी है तो क्या 20 परसेंट छत्तीस का दोगुना बहत्तर होगा अब बताओ क्या इस कैलकुलेशन के लिए किसी भी बच्चे को पेन यूज करना पड़ रहा था जरूरत ही नहीं थी पेन यूज करने की दोबारा ध्यान से सुनो यहाँ पर अच्छा 180 का 10 परसेंट कितना होता है आप बोलोगे सर 18 होता है क्यों क्योंकि दशमलव एक स्थान पे लग जाएगी और उसका 5 परसेंट कितना होता है 18 का आधा 9 होता है और आपसे पूछा है 15 परसेंट तो यानी कि 27 होता है 18 और 9 27 तो बहत्तर में से अगर हम 27 घटाएंगे तो 45 आएगा भाई और यही हमारा आंसर है एग्जाम में इन मेथड को अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इन मेथड को अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इजीली नहीं तो कैलकुलेशन बच्चों की तरह करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे दोगे डन है देखते हैं कौन पहले देता है क्वेश्चन है यदि 180 के में एक्स परसेंट की कमी करने पर 60 में x परसेंट की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है इफ डिक्रीजिंग 180 एट्टी बाई एक्स परसेंट गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग सिक्सटी परसेंट बाई एक्स परसेंट देन एक्स परसेंट ऑफ फोर हंड्रेड टेन विल बी मोर देन द एक्स प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ टू हंड्रेड करेक्ट टू द डेसिमल ऑफ पैलेस करेक्ट टू डेसिमल पैलेस आपसे पूछ रहा है तो 410 का x परसेंट 210 के x प्लस बीस परसेंट से कितना अधिक है 410 का x परसेंट 210 के x प्लस बीस परसेंट से कितना ज्यादा है ये आपसे पूछ रहा है सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करो एस एस सी सी एच एस एल का दो में आया हुआ क्वेश्चन है आप देख सकते हो हर क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है चलो बताओ बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो ध्यान से पहली बात समझते हैं हमें क्या बोला है अगर आप बड़े ध्यान से समझना मैं आपसे बोलूं कि किसी संख्या में 10 परसेंट की कमी कर दी गई ए नंबर इज डिक्रीज बाय 10 परसेंट तो आप बोलोगे सर 100 परसेंट नंबर था टेन परसेंट डिक्रीज कर दिया तो वो कितने परसेंट हो गया वो नंबर नाइनटी परसेंट हो गया कितना परसेंट हो गया 90% परसेंट हो गया अगर मैं बोलू ये ही तो एक्स है इस प्रकार से अगर आपसे बोलू कि एक्स परसेंट की कमी कीगी की, तो आप बोलोगे हंड्रेड माइनस एक्स परसेंट हो जाएगा यही बात बोलोगे और एक्स परसेंट की वृद्धि होगी तो आप बोलोगे हंड्रेड प्लस एक्स परसेंट हो गया तो यानी कि एक नंबर एक सौ अस्सी था उसमें वृद्ध कमी की गई कितने की एक्स परसेंट की तो आप बोलोगे हंड्रेड माइनस एक्स परसेंट हो गया और यहाँ पर ये आपको एक रिजल्ट मिला वही रिजल्ट कब मिला जब आपने साठ में जब आपने साठ में एक्स परसेंट की वृद्धि की तो आपने बोला साठ और साठ में एक्स परसेंट की वृद्धि की तो ये हंड्रेड प्लस एक्स परसेंट हो गया आप बताओ यहां तक की बात क्लियर है देखो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना एक नंबर 180 था उसमें एक्स परसेंट की कमी करने के बाद जो रिजल्ट आता था सेम रिजल्ट आता था दूसरे नंबर 60 में एक्स परसेंट की वृद्धि करने पर तो हमने क्या किया हमने क्या किया कि 180 का 100 माइनस एक्स परसेंट निकाला और 60 का 100 प्लस एक्स निकाला और इसको बराबर कर दिया क्यों क्योंकि क्वेश्चन में दिया है रिजल्ट सेम है अब यहाँ पर आप सबको पता है कि परसेंटेज तो यूज़ जी नहीं होगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा अगर मैं 60 से बोलूँ 60 से एक सौ अस्सी थ्री टाइम्स कटेगा और थ्री की मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँ थ्री इन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड माइनस थ्री, थ्री एक्स बराबर हंड्रेड प्लस एक्स यस yes या नो अगर मैं इस 3X को उस साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये फोर एक्स आएगा और हंड्रेड को इस साइड में आऊंगा तो माइनस हो जाएगा ये टू हंड्रेड आएगा और यहां से हम एक्स को से X का मान बता सकते हैं टू हंड्रेड को फोर से डिवाइड करके और जैसे ही टू हंड्रेड को फोर से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा हमारा पचास यानी कि एक्स का मान था पचास एक्स का मान था पचास आप देख भी सकते हो 180 में 50 परसेंट की कमी कर दी जाए मतलब 180 को आधा कर दिया जाए 90 और 60 में 50 परसेंट की कमी कर दी जाए सॉरी वृद्धि कर दी जाए तो 60 का 50 परसेंट होता है 30 वो जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना ये भी नब्बे धन्यवाद तो दोनों बराबर रिजल्ट हुए यहाँ से हमें x का मान मिला देखो बेटा अब कहानी इसके बाद की शुरू होती है यहाँ से आपको चीज़ों को समझना है यहाँ से आपको चीजों को समझना है दो तरह के बच्चे होंगे जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और दोनों का आंसर आएगा लेकिन एक का आंसर कम कैलकुलेशन में आएगा और एक का आंसर ज़्यादा कैलकुलेशन में आएगा एक का आंसर कम कैलकुलेशन में आएगा और एक का आंसर ज़्यादा कैलकुलेशन में आएगा अगर आप चाहते हो क्वेश्चन में कम कैलकुलेशन बने तो आप इन दोनों चीज़ों को जो आपसे पूछा है जिन का पूछा है परसेंटेज पूछा है रिजल्ट में उनको आप एक्चुअल में नंबर निकालने की कोशिश मत करो उनको आप रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करो देखो मैं रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं ध्यान से सुनना आप खुद बताओ अगर मैं बोलू यहां पर आपके सामने आपसे पूछा गया है एक तो चार का एक तो चार का x परसेंट मतलब पचास परसेंट चार सौ नहीं चार दस का x परसेंट चार दस का x परसेंट मतलब पचास परसेंट यस नो और दूसरा क्या है बेटा 210 दो सो 210 का, x plus 20. X का मान 50 था और x प्लस बीस मतलब 70 परसेंट अब आपको पता है यहां पर अगर मैं इनकी रेशियो बनाऊंगा तो परसेंटेज का तो यूज ही नहीं होना था हाँ या ना परसेंटेज का तो 100 प्लस क्यों लिया है बेटा बोलू राम अगर आपसे मैं बोलूं कि एक वैल्यू टेन परसेंट इनक्रीज हो गई तो हंड्रेड प्लस टेन करके ही तो आप बोलोगे एक सौ दस परसेंट हो गई इसी प्रकार से उसमें बोला गया है कि दूसरे नंबर में एक्स परसेंट की वृद्धि की गई है तो हंड्रेड प्लस एक्स होगा हंड्रेड प्लस एक्स होगा उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी तो यहाँ पे मैं आपको चार सौ दस का ना तो पचास परसेंट निकालने के लिए बोल रहा हूं और ना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि 210 का 70 परसेंट निकालो मैं आपसे बोल रहा हूँ इन दोनों नंबर का रेशो बनाओ और रेशो बनाओगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कैलकुलेशन आसान कैसे होगी तो देखो ध्यान से दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी अब कुछ भी नहीं कट पा रहा है तो ये आ रहा है आपका दो और ये आ रहा है कितना बेटा वन कितना आ रहा है वन दो yes, no? ये 205 और ये 147 फोर्टी सेवन पूछा है चार का x परसेंट दो के x प्लस सत्तर परसेंट से 70 परसेंट से कितना प्रतिशत अधिक है अब यहां पर ध्यान से देखो ये इससे कितना ज्यादा है आप ये बताओ क्या ये इससे 58 ज्यादा है कितना ज्यादा है 58 ज्यादा है नमस्ते रिया मीना बेटा ओके ओके 58 ज्यादा है और किसे? 147 से तो ये 58 अपॉन 147 इंटू सो अब यहां आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी यहां पे अप्रोक्सीमेट दो तो दशमलव तक बताना है कहां तक बताना है अप्रोक्सीमेट आज नेट नहीं चल रहा है तो क्लास को सही से देखने नहीं जा रहा है कोई बात नहीं बेटा आप अभी जितना देख पा रहे हो समझ पा रहे हो सुन पा रहे हो, हो सुन लो बाकी बाद में देख सकते हो है ना अब आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा हिमांशु बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यस या नो अब आप देखो ध्यान से अब आप ध्यान से देखो बेटा अगर मैं इसको बोलूं ये अट्ठावन है मैं कैलकुलेट पूरा नहीं करूंगा ये कितना है अट्ठावन और अट्ठावन को मैं िस से भाग दो कितने से भाग दो सौ से भाग दो और यहाँ पे आपके ऑप्शन है देखू यहाँ पर कि एक सौ सैंतालीस से मैं इसको कितनी बार भाग दे पा रहा हूँ तो आप बोलोगे चौदह चौका छप्पन सात चौका 28, पूरा पूरा चालीस बार भी भाग नहीं दे पा रहा हूँ तो पूरा पूरा चालीस बार नहीं भाग दे रहा हूँ तो लगभग जो 40 के आसपास है वही ऑप्शन है तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये 40 के आसपास है ऑप्शन नंबर सी तो आपका आंसर आएगा 39.46 परसेंट कितना 39.46 परसेंट यस आई एम राइट बात क्लियर है हाँ या ना कमेंट करके बताओ सारे बच्चे क्या बात क्लियर है अंकित पकड़ बोल रहे हैं सर मेरे कमेंट्स जा ही नहीं रहे जा ही नहीं रहे ओके सी सर ऑफलाइन नेट दे दिया करो बहुत अच्छा ऑफलाइन में सीट दे दिया करो बेटा ये ऑफलाइन में मैंने सीट दे रखी है जो बच्चे ऑफलाइन के हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से एसएससी एस सीजीएल का 2019 का है क्वेश्चन है यदि 210 को एक्स परसेंट घटाया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 40 में एक्स परसेंट की वृद्धि होती है तो 210 के एक्स माइनस बीस परसेंट और 180 के एक्स प्लस बीस परसेंट का कि क्या प्रतिशत कम है यहां पर पूछा गया है कि ये 210 का x माइनस बीस परसेंट दो सौ दस का x माइनस बीस परसेंट एक सौ अस्सी के x प्लस बीस परसेंट से कितना प्रतिशत कम है मैं आपको बोलता हूं पहले भी वही चीजें कि आप सबसे पहले x का मान निकालो तो जिसको नहीं मिली वो कल ले लेना बेटा मुझसे आके मिल लेना सर मेरे कमेंट्स कोई बात नहीं बेटा आपके कमेंट क्यों नहीं हो रहे पता नहीं अभी यहाँ पे कोई नहीं है बाद में मैं चेक करा लूँगा कि क्यों कमेंट नहीं हो रहे हैं ठीक है अभी पढ़ाई कर लो बबलू नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा किसी को नेट की प्रॉब्लम की वजह से 120 को x से घटाया जाता है वही परिणाम प्राप्त होता है जब 40 में x परसेंट की वृद्धि होती है तो 210 का x माइनस बीस परसेंट एक के x प्लस बीस परसेंट से क्या प्रतिशत कम है फटाक से आंसर बताओ आंसर दी अमन का बात बेटा मैं आपको अब टाइम भी दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा आंसर क्या आया सी बड़े ध्यान से देखो किन बच्चों का आंसर नहीं आया थोड़ा सा फोकस करो आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि एक्स को 120 को एक्स परसेंट घटाया गया तो आपको सबको पता है कि अगर मैं 120 को एक्स परसेंट घटाऊंगा तो आप बोलोगे 120 हो जाएगा 100 माइनस एक्स परसेंट और अगर मैं चालीस से मैं एक्स परसेंट की वृद्धि करूँगा तो चालीस हो जाएगा हंड्रेड प्लस एक्स हंड्रेड प्लस एक्स परसेंट अब आप खुद बताओ क्या ये दोनों रिजल्ट बराबर होंगे चार से कितनी बार जाएगा तीन बार और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको सिम्प्लीफाई करूँगा तो आएगा तीन सौ तीन सौ माइनस टी एक्स बराबर हंड्रेड प्लस एक्स ये थ्री एक्स उधर जाएगा तो फोर एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू हंड्रेड और एक्स की वैल्यू आएगी पचास यानी कि पचास परसेंट ही तो यानी कि पचास परसेंट ही तो एक सौ बीस को घटाया था और पचास परसेंट ही चालीस को बढ़ाया गया था ताकि रिजल्ट क्या मिल जाए सेम मिल जाए अब यहाँ पर दो का एक्स माइनस बीस परसेंट है आप मुझे बताओ ये एक्स माइनस बीस परसेंट होने का मतलब क्या है सर दो सौ दस का तीस परसेंट यस yes या नो और x प्लस सत्तर बीस परसेंट होने का मतलब है दो सौ एक सौ अस्सी का परसेंट तो आप यहाँ पे रेशो बनाओ परसेंटेज एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालो दो सौ दस का तीस परसेंट दो सौ दस इंटू रेशो एक सौ अस्सी का परसेंट एक सौ अस्सी इंटू देखो बेटा ध्यान से देखो इस तीस से 6 बार जाएगा और सत्तर से कितनी बार जाएगा बार जाएगा और तीन से छ दो बार जाएगा यानी कि एक रेशो दो अब आप खुद बताओ दो से इस वैल्यू से ये कितना कम है आप बोलोगे एक कम है कितना कम है एक कम है और किससे टू आंसर आएगा आपका पचास परसेंट कितना परसेंट दोस्तों पचास परसेंट अब देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी आपको रेशो में नंबर को ब्रेक कर देना है जब रेशो में नंबर को ब्रेक करोगे तो कुछ कैलकुलेशन कम हो जाएगी आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहां पर कैलकुलेशन करके रिजल्ट नहीं निकालना आपसे आंसर में पूछा है, तो आपको रेशो में ब्रेक करके अपना आंसर बता सकते हैं यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप देखो बेटा जो क्वेश्चन है वो संख्याओं से रिलेटेड है और जो संख्याओं से रिलेटेड है दो संख्याएं तीन संख्याएं चार संख्या तो पहला क्वेश्चन है इसी सीरीज में जो दो हजार तेरह में आया है जुलाई में और टायर वन का क्वेश्चन है शिफ्ट भी दी हुई है कि उन्नीस जुलाई दो हजार तेईस सिप्ट फोर ठीक है क्वेश्चन क्या है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश सतराह परसेंट और पचास परसेंट दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है टू नंबर आर रेस्पेक्टिवलीवेंटी परसेंट एंडसेंट मोर देन थर्ड नंबर अगर मैं आपसे बोलूँ, एक फर्स्ट नंबर था हमारा ये हमारा फर्स्ट नंबर था ये हमारा सेकेंड नंबर था और ये हमारा थर्ड नंबर था यहाँ पे बोला गया है कि ये दो नंबर जो है फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से क्रमशः सत्रह परसेंट और पचास परसेंट ज़्यादा है अगर हमारा थर्ड नंबर हंड्रेड है तो पहला नंबर वन हंड्रेड सेवनटीन होगा क्योंकि सेवेंटीन परसेंट ज़्यादा है वन हंड्रेड सेवेंटीन होगा क्योंकि सेवेंटीन परसेंट ज़्यादा है और सेकेंड नंबर पचास परसेंट ज़्यादा है तो एक सौ पचास होगा कितना होगा दोस्तों तो हंड्रेड में हम पचास ऐड कर दें हंड्रेड में हम पचास ऐड कर दें अब यहाँ पे बोल रहा है तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ यानी कि फर्स्ट और सेकंड का अनुपात हमें बताओ फर्स्ट और सेकंड का अनुपात हमें बताना है अगर मैं इसको तीन से डिवाइड करूँ ये आएगा फिफ्टी और मैं यहाँ पर एक को तीन से डिवाइड करूँ ये आएगा थर्टी नाइन अब कोई भी नंबर इसमें ऐसा नहीं है जो डिवाइड कर पाए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ये आपका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का आंसर है ऑप्शन नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बेटा बहुत सारे बच्चे आंसर भी बता रहे हैं हिमांशु ने बताया था थर्टी नाइन पॉइंट थर्टी नाइन रेशो अर्चना ने बताया था बताया था अमन बताया था एम एस शेखावत ने बताया था <coughs> क्लास को शेयर करो क्लास को शेयर करो सभी बच्चों को बुलाओ बच्चों को पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से दस परसेंट और पच्चीस परसेंट ज़्यादा है तो ए और बी का अनुपात बताओ ए और बी का अनुपात बताओ ये एम टी एस का क्वेश्चन है एस एस सी का एम टी एस का दो हजार तेईस का क्वेश्चन देखो ध्यान से अगर तीसरी संख्या हंड्रेड है तो पहली संख्या तीसरी संख्या से दस परसेंट ज्यादा है तो पहली संख्या एक सौ दस है और सेकंड संख्या पच्चीस परसेंट ज्यादा है तो एक सौ पच्चीस अब मैं आपसे बोलूँ कि हम इसको फाइव से डिवाइड करेंगे तो जब हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी टू और ये आएगा आपका कितना आएगा ट्वेंटी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है, आपका फर्स्ट नंबर था सेकंड था, थर्ड नंबर, है बात? सर yes. ए और बी कन्फर्म थोड़ी है ना नहीं बेटा ए और बी कन्फर्म है ए और बी का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो मैं आपका समझ गया कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर कन्फर्म है क्या हाँ बेटा जब आप मुझे बताओ मैं बोलूँगा दो नंबर तो आप बोलोगे फर्स्ट ये वाला और उसके बाद सेकेंड वाला दो नंबर तीसरी संख्या से मतलब इस क्रम से करम्ष है. करम्ष है करम्ष है का मतलब जो पहले आया यानी कि फर्स्ट नंबर के बारे में पहले बताया होगा और सेकेंड नंबर के बारे में बाद में बताया होगा बेटा आप यही कहना चाह रहे हो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो एस एस सी भी अभी छोड़ो इस पे <coughs> बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः छब्बीस परसेंट और पांच परसेंट अधिक है टू नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय ट्वेंटी सिक्स परसेंट एंड फाइव परसेंट रेस्पेक्ट दर्जेंट बाई विच दर्स्ट नंबर इज मोर देन द सेकेंड नंबर परसेंटेज बाई विच द फर्स्ट नंबर इज मोर देन द सेकंड नंबर तो बताइए वह प्रतिशत जिसके द्वारा पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है पहली संख्या संख्या दूसरी अधिक है देखो आपसे फिर वही बोलना चाहता हूँ अगर आपका एक फर्स्ट नंबर है आपका सेकंड नंबर है और आपका थर्ड नंबर है समझ लो इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद देख अब इस क्वेश्चन को मत करो इस आप समझ लो नेक्स्ट का आंसर आप खुद दे दो बोल रहा है जो ये दो संख्या है दो संख्या का मतलब पहले फर्स्ट नंबर के बारे में बता रहा है और फिर सेकंड के बारे में बता रहा थर्ड है थर्ड नंबर से ट्वेंटी अगर थर्ड नंबर हंड्रेड है तो फर्स्ट नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड प्लस ट्वेंटी और सेकंड नंबर हंड्रेड फाइव होगा यानी कि हंड्रेड प्लस फाइव वन हंड्रेड फाइव तो ये हमारे पास तीनों नंबर के रेशो आ चुके हैं अगर आप रेशो बनाना चाहो तो रेशो बना दो लेकिन यहाँ पे बोला है वह प्रतिशत जिसके द्वारा पहली संख्या दूसरी से ज़्यादा है तो आप बताओ पहली संख्या पहला नंबर दूसरी से कितना ज़्यादा है तो आपने बोला ज़्यादा है ट्वेंटी कितना ज़्यादा है ट्वेंटी अब बताना कितना परसेंट ज़्यादा है तो आप बोलोगे इक्कीस बटे एक सौ सेकेंड नंबर से कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे इक्कीस ज़्यादा है 20. सेकंड नंबर से इक्कीस बटे एक सौ पांच इंटू आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा आपका बीस परसेंट बीस परसेंट अगर आप चाहते थे इसको क्वेश्चन को यहाँ पे ही सोल्व करना तो आप देख सकते थे इनकी रेशो इक्कीस एक सौ पाँच तो आप बताओ एक पांच का कितना परसेंट है तो आप बोलोगे बीस परसेंट है आप इसको यहाँ पे ही सोल्व करोगे धन्यवाद यस yes. आप मुझे बताओ पहले यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है अगर डाउट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट करके नहीं बता पाओगे क्यों कि परसेंटेज थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई परसेंटेज कैसी आ गई थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई मैं देखता हूँ कोई अगला क्वेश्चन आसान है क्या आसान नहीं है आ जाओ आपको मेरी ही बात सुननी ध्यान से सुनना बेटा आपने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज बहुत सिंपल थी छब्बीस परसेंट ज्यादा तो सौ में छब्बीस जोड़ दो पांच परसेंट ज्यादा तो सौ में पांच जोड़ दो छब्बीस परसेंट कम होता तो सौ में से छब्बीस घटा देते पांच परसेंट कम होता तो सौ में से पांच घटा देते सिंपल सिंपल सी परसेंटेज लेकिन इस वाले क्वेश्चन में परसेंटेज थोड़ी टफ हो गई और परसेंटेज टफ क्या होगी दो संख्या क्रम से तीसरी से सोलह पॉइंट छ छह पॉइंट दो आठ परसेंट अधिक है तो वह प्रतिशत करें जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है देखो ध्यान से पहले मैं आपको इसका बेसिक थोड़ा आपको सबसे पहले क्या करना है तीन संख्या एलट करनी पहली तीसरी कितनी बेटा सी बोल रहा है तीसरी संख्या का सॉरी दो संख्या क्रम से तीसरी संख्या से सोलह पॉइंट परसेंट आप सब बच्चों को पता होगा सोलह पॉइंट छः छः परसेंट की जो फ्रैक्शन होती है, 6 -6 की होती है। भाई। तो वन भाई अगर सोलह पॉइंट छः छः परसेंट की वृद्धि की जाती है अगर सोलह पॉइंट छ परसेंट की वृद्धि की जाती है तो आप मुझे बताओ क्या कोई भी नंबर छः से कितना हो जाएगा सात हो जाएगा कोई भी नंबर छः से कितना हो जाएगा सात हो जाएगा आप बोलोगे ये एक जुड़ जाएगा जब ये एक जुड़ जाएगा तो आप बोलोगे अगर थर्ड नंबर छ है तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर सात होगा कितना होगा दोस्तों डन है फिर बोल रहा है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट ज्यादा है तो फोर्टीन पॉइंट टू एट की फ्रैक्शन आप सबको पता है ये होती है एक बटा क्या होती है बेटा एक बटा सात होती है। जब आप फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट की वृद्धि करोगे तो आप बोलोगे कोई नंबर में सात था तो उसमें एक की वृद्धि हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा आठ यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर थर्ड नंबर सात था लेकिन नंबर कितना था आठ था इसके बाद सभी बच्चों के आ जाना हमने क्या बनाया परसेंटेज की हेल्प से थर्ड नंबर का और फर्स्ट नंबर का रेशो बना लिया पहली परसेंटेज से और दूसरी परसेंटेज से थर्ड नंबर का और सेकंड नंबर का डन है बात yes. यस सुनो ध्यान से बेटा अभी मेरी बात ध्यान से बड़े प्यार से जो बच्चे सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा अब मैं यहाँ से बोलना चाह रहा हूँ कि सर सी की दो वैल्यू नहीं होगी सी जब ए के साथ कंपेरिजन करेगा तब भी सेम होना चाहिए और बी के साथ कंपेरिजन करेगा तब भी सेम होना हाँ से आप सी वैल्यू सेम कैसे करोगे सी की वैल्यू से यहाँ से सात से इसमें गुण कर दोगे और छः से इसमें यानी कि दोनों का एलसीएम बना लोगे सात छंग इसी प्रकार से यहाँ पे कितने से करोगे गुणा सात से गुणा करोगे और यहाँ पे कितने से गुणा ए का मान आया अड़तालीस फोर्टी नाइन सॉरी और बी की वैल्यू आई फोर्टी और बेटा सी की वैल्यू आई आया या ना आप मुझे बताओ एक बार सारे बच्चे क्या इस बात से अरे यस या नो यस क्लियर है इस बात से सहमत है क्या सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ हाँ बेटा कमेंट करके बताओ एक बार इस बात से सहमत है क्या मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं ठीक है आप बताओ यहाँ तक आप सब बच्चे जानते हो तो किसी भी परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट किया रेशो को बैलेंस किया और जैसे रेशो को बैलेंस किया हमारा ए रेशो बी रेशो सी आ गया फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर रेशो थर्ड नंबर हमारा लेकिन बेटा पेपर में इतना बड़ा नहीं करना है इस वाले को इस वाले को कैसे करना है ये बात अपने दिमाग में बैठा आपको इतना बड़ा नहीं करना, नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना तो फिर क्या करना है आपको पहली बात का ध्यान रखना है बेटा मेरी फर्स्ट बात जब कंपेरिजन एक ही नंबर से हो रही हो दो अलग अलग नंबर के बार बार जैसे थर्ड नंबर से एक बार फर्स्ट नंबर की कंपेरिजन हो रही है। और थर्ड नंबर से ही एक बार सेकेंड नंबर की कंपेरिजन हो रही है। क्या बोल रहा हूँ मैं अगर आपको कहा जाए कि कंपेरिजन परसेंटेज में हो रही है और जब परसेंटेज में हो रही है तो एक ही नंबर से हो रही है दोनों की फर्स्ट नंबर की भी थर्ड से हो रही है और सेकंड की भी थर्ड ध्यान से सुनना आप यहाँ पर अगर ये आपका सी थर्ड नंबर था बी आपका फर्स्ट नंबर था और ए आपका कौन सा नंबर था बेटा ए आपका फर्स्ट नंबर सी थर्ड डी सेकंड और ए फर्स्ट अब आप इसको एक मान लो क्या मान लो बेटा एक मान लो क्या मान लो बात क्लियर है अगर ये एक है अब आप मुझे बताओ अगर आपको मैं बोलूँ किसी भी परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानते हो क्या होता है आप बोलोगे यस सर जानते हैं बड़ी इजी सी बात है मैंने आपसे बोला अगर मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से सोलह पॉइंट परसेंट अधिक है तो यानी कि पहले इस संख्या की बात कर रहा हूँ और सोलह पॉइंट परसेंट की परसेंटेज अभी, अभी अभी आपने निकाली थी सर एक बटा छः और जब इसमें वृद्धि होगी तो ये बेटा सात बटे छः हो जाएगी यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है इसका सात बटे छ अब आप सोचो एक में सात बटे से गुणा करोगे तो ये तो सात बटे ही आएगा कोई चेंज आएगा ही नहीं कितना आएगा सात बटे छः अच्छा इसी प्रकार से बेटा 14.28 परसेंट की वृद्धि करोगे तो इसकी फ्रैक्शन होती है एक बटा सात होती है एक बटा सात और वृद्धि करोगे तो ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आठ बटे ना? अब आपसे जो रिलेशन पूछा था वो फर्स्ट और सेकंड नंबर में पूछा था ना कि फर्स्ट और थर्ड में देखो यहाँ से आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर्टी नाइन आएगा और ये आएगा कितना फोर्टी क्या हमारा पहले भी यही और इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं समय आधा लग रहा है सेकंड वाले मेथड में अरे जब को सात से गुणा किया है तो सात को भी सात से ही करेंगे नहीं बेटा अरे जब को सात से नहीं बेटा ऐसा नहीं है हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे सी की दो वैल्यू है एक सिक्स है और एक सेवन है जब हम A से तुलना करके बता रहे हैं तो सिक्स बता रहे हैं और जब हम बी से तुलना करके बता रहे हैं तो सेवन बता रहे हैं दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती भाई सी का मान तो एक ही होगा क्योंकि सी एक नंबर है तो हमने रेशो बनाने के लिए इन दोनों को एक बनाया और और छत का एल्सीम आया बयालीस फोर्टी टू जब मैं ऊपर वाले को फोर्टी टू बनाऊंगा तो सात से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे वाले को फोर्टी टू बनाऊंगा तो भी छह से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यस yes. हाँ ऊपर वाला ही बताया मैंने क्लियर तो अब बताओ यहां पर बेटा क्या ए अगर फोर्टी है तो बी फोर्टी है आपसे पूछ रहा है बताओ वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी क्या पहली संख्या से कम है आपने बोला कि संख्या पहली से एक कम है रेशो में किससे नाइन से, से. इनटू हंड्रेड आंसर आएगा आपका कितना पर, परसेंट एड बाई फोर्टी नाइन परसेंट ऑप्शन आपको बेटा एग्जाम में इस बात को फोकस करना है अगर एग्जाम में इस अप्रोच को लगाओगे आपको बैलेंस करने वाली प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी आपको कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी बैलेंस करने वाली प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी बात यस, yes. क्लियर है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी भी डाउट है किसी को कमेंट करके बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं ना कमेंट <coughs> करके बताओ सर सबसे एक बार शेयर करने को बेटा ये निकम में है ये शेयर नहीं करेंगे है ना जिनको पढ़ना है वो पढ़ते रहो टेंशन मत लो मैं भी एक टॉपिक पढ़ा के बंद कर दूंगा उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा यानी कि जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करते रहेंगे जितेंद्र सिरवी जय हिंद सर जी क्या बात है बेटा ऑनलाइन कैसे ट्रेनिंग खत्म हो गई बेटा जो आपके सामने जितेंद्र सिरवी एस एस सी जी डी में ऑल इंडिया ट्वेल्व रैंक आई थी का सीपीओ में भी क्लियर है एग्जाम बच्चे का बस फिजिकल बाकी है ओके okay, चलो अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन <coughs> बोल रहा है ए नंबर पी इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन ए नंबर क्यू टेन परसेंट लेस देन नंबर आर पी के बारे में बता रहा है P बोल रहा है कि Q से कितना ज्यादा है? 30 है, अधिक लेकिन R से दस 10%, परसेंट 10 ठीक है तो संख्या क्यू आर का कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा है एस एस सी सी एच एस एल का क्वेश्चन है देखो ध्यान से यहाँ पर हम रेशो बनाते हैं और आर का देखो अब की बार कमी या वृद्धि तो बता रहा है लेकिन एक बार क्यू से रिलेट करके बता रहा है एक बार आर से रिलेट करके बता रहा है तो हम जो पहले अप्रोच लगाई थी उस अप्रोच को नहीं कर सकते डन है बात ध्यान से देखना बेटा बोल रहा है पी एक नंबर है जो क्यू से बीस अधिक है और सबको पता है कि बीस की फ्रिक्शन क्या होती है बीस की फ्रिक्शन होती है एक बटा पांच। और बीस अधिक है आप मुझे बताओ क्या वैल्यू पाँच से छ हो जाएगी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है सिक्स बाई फाइव तो यहां पर बोला है कि पी एक संख्या क्यू से बीस परसेंट अधिक है यानी कि अगर क्यू पाँच है दोस्तों क्यू पांच है तो पी लेकिन संख्या आर से दस परसेंट कम है तो आप बताओ अगर संख्या आर टेन है इससे दस परसेंट कम है तो क्या ये नो होगा अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमें किसका मान इक्वल करना है हमें पी का मान इक्वल करना है क्योंकि पी की दो अलग अलग वैल्यू नहीं एक की वैल्यू अब यहाँ पे ऐसा मत करना बेटा कि आप यहाँ पे नौ से गुणा कर दो और यहाँ पे आप छः से गुणा कर दो नंबर बड़ा हो जाएगा गलत तो नहीं है ये भी लेकिन नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा आपको बात को समझना है सिक्स और नाइन का एल्शियम होता है एट्टीन दोनों को एट्टीन बनाओ जब आप यहाँ पे 18 बनाओगे यहाँ पे कितने से गुणा करोगे और यहाँ पे कितने से गुणा करोगे डन है अब रेशो किस किस का था ये? का का। और और पर पर। भी आप तीन और इसी प्रकार आपसे बोल रहा है संख्या आर संख्या क्यू संख्या आर से कितने प्रतिशत है संख्या क्यू संख्या आर का कितना प्रतिशत है तो यह यहाँ पर दो नंबर का रेशो बताऊंगा ये फिफ्टीन होगा और ये होगा आपका ट्वेंटी अगर मैं फर्दर रेशो को सोल्व करूँ ये थ्री होगा और ये होगा फोर अब बताओ ये थ्री इस फोर का कितना परसेंट है अगर आपने पहली क्लास ली थी तो आप इजीली बता दोगे या सर ये सेवेंटी फाइव परसेंट है अगर आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन चाहते हो तो आप बोलोगे थ्री फोर का हंड्रेड और ये आएगा कितना बेटा सेवेंटी फाइव परसेंट कितना परसेंट आएगा सेवेंटी फाइव परसेंट बात डन है yes या नो बात क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2021 में आया हुआ एसएससी सीजीएल का प्री का क्वेश्चन बोल रहे हैं दी इनकम ऑफ ए इज 30 परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5 परसेंट मोर देन द इनकम ऑफ इफ द इनकम ऑफ ए इज ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस देन डेट ऑफ बी देन द इनकम ऑफ सी इन रुपीज तो सी की आपको बतानी है में पढ़ लेते हैं ए की आय बी की आय से तीस प्रतिशत कम है बी की आय सी की आय से एक सौ सैंतीस पॉइंट पाँच परसेंट ज़्यादा है यदि ए की आय बी की आय से अट्ठाईस हजार पाँच सौ रुपये कम है तो सी की आय बताओ ए की आय बी की आय से अट्ठाईस हजार पाँच सौ रुपये कम है किसकी आय बतानी है C की बता बड़े ध्यान तो ए रेशो बी रेशो सी बता बताओ और वहाँ से कंपेरिजन करो अपना आंसर आ जाएगा या फिर यहाँ से एक बात सोचो कि सर मैं इस रेशो से बड़े ईजिली बड़े ईजिली ए और बी का रिलेशन से फोन कर सकता हूँ क्वेश्चन को क्यों क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ए की आई बी की आई से, से कितने रुपए कम है ए की आई बी की आई से कितने रुपए कम है अट्ठाइस हजार पाँच सौ पहले समझो बात को आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे सिर्फ इतना सा रेशो पूछ ए और बी की आई का रेशो कितना है तो आप बोलोगे ए की आई सात है बी की आई कितनी दस है क्यों क्योंकि ए की आय बी की आय से तीस अच्छा बेटा क्या कितना कम है मैं आपसे रेशो में पूछूंगा आप बोलोगे रेशो में तीन कम है ना कम है तो जो पाँच सौ है पाँच सौ अट्ठाईस हजार पाँच सौ ये किसका मान है ये मान है आपका तीन का किसका मान है ये आपका मान है तीन अगर मैं यहाँ पर दस से गुणा कर दू अगर मैं यहाँ पर दस से गुणा कर दू तो आपको मिल जाएगी किसकी वैल्यू बड़े पेशेंस के साथ इस बात को समझ बड़े पेशेंस के साथ इस बात को समझ हमारे पास ए और बी का रेशो है बी का मान दस है तो ए का मान सात है ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कितना कम है कितना परसेंट कम है दोस्तों तीस परसेंट कम है और तीस परसेंट की फ्रिक्शन होती है तीन बटे दस यानी कि यहाँ पर आप बोलोगे बी अगर टेन है तो ए सात है कम कितना है तीन और तीन रेशो का मान है अट्ठाइस हजार पाँच सौ अगर मैं तीन से भाग दे दूं एक रेशों का मान आएगा और दस से गुणा कर दूं का तो मान आ जाएगा बी की वैल्यू आ वैल्य। जाएगी आप सबके पास बी की वैल्यू तो यहाँ पे एक बात लाइन से पढ़ो बड़े ध्यान से कि बोला गया है कि सी की आई बी की आई सी की आई से 37 एक सौ पॉइंट पांच परसेंट अधिक है अधिक है एक सौ सैंतीस पॉइंट पांच परसेंट अधिक है तो ध्यान से सुनना मैंने बोला अगर मैं सी की आई को सी मान लूँ कितना मान लूँ सी मान लूँ और आपसे पूछू कि मुझे बताओ एक सौ परसेंट अधिक होना की फ्रैक्शन क्या है आप बोलोगे पहले तो सर की फ्रैक्शन होगी हंड्रेड का मल्टीपल जहाँ तक होगा वो वन ज़्यादा कितना है सैंतीस पॉइंट ये कितना होगा थ्री बाई एट आठ तिया ग्यारह बटे आठ आटे का माठ और डरते ग्यारह ग्यारह बटे आठ यानी कि अगर सी का मान आठ है अगर सी का मान आठ है तो वो ग्यारह ज्यादा है कितना ज्यादा है ग्यारह ज्यादा है यानी कि आप बोलोगे यानी कि का उन्नीस इसका उन्नीस बटे आठ गुना है बेटा उन्नीस बटे आठ गुना Yes, कितना है बटे आठ गुना और अब ये बराबर है तो क्या यहां से हम सी का मान बता सकते हैं yes, no? ना बता सकते हैं सी का मान बता सकते हैं इजिली बता सकते हैं देखो ध्यान से अगर मैं आपसे बोलू सी का मान क्या होगा पहले तो इसको भाग दो से तीनो इनम बाईस तीन अब इसको उन्नीस से भाग दो उन्नीस पजे और सी का मान बताने के लिए आप देखो ये कितना है चालीस यानी कि ये कितना है पाँच हजार पाँच हजार में आठ की गुणा करोगे आठ पजे पाँच हजार पाँच हजार ना आठ नया बेटा चालीस हजार सी का मान है हजार चालीस हजार फोर्टी थाउजेंड ऑप्शन एक्चुअल में अगर आप पेशेंस रख के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा नहीं तो इसका एक तरीका ये था कि आप इनके तीनों के रेशो बना देते, ए e का रेशो बी का रेशो और सी का रेशो और वहाँ से आप कंपैरिजन करके कैलकुलेशन कर टाइम उतना ही लगता कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डन है खंडेर वाला बता रही है कि आंसर है चालीस हजार और हिमांशु बता रहे हैं ए ए अर्चना ने ए का सावन का बता रहे हैं सावन सी नहीं आंसर है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एस एस सी का है सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे ठीक है आप इस रिपोर्ट ले सकते हो जो देखते हैं क्वेश्चन अच्छा है देखते हैं कौन बच्चा कौन कौन बच्चा इसका मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उन बच्चों का मैं नाम लूँगा कमेंट में कल मैं बताऊँगा किस किस का आंसर डन है बात चलो बेटा अगर आप चाहते हो कि आपको क्लासें स्पीड थोड़ी कराओ बेटा स्पीड थोड़ी बढ़ाऊँगा अभी थोड़ा कम है मुझे भी पता है थोड़ी बढ़ाऊंगा एक बार थोड़ा सा बच्चों को सीखने दो जब सीख जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ठीक है तो आपको क्लास को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस आप रहेगा क्योंकि आपके लिए ये सारी की सारी मेहनत की जा रही है यादव बोल रहे हैं सर एज लगेगी क्या आगे लगेगी क्लास प्रॉफिट लॉस की कभी भी हाँ बेटा अगर कंटिन्यूटी बनी रही अच्छे बच्चे पढ़ते रहें मेहनत करते रहें तो क्लास सबकी लगेगी टेंशन मत तो लो ओके चलो कल मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत है ओके